Hi, this is Bhuvan Bam. Hi, this is Devin Bojani. Hi, this is Prathamesh Paras. Hi, this is Shriya Pilgaonkar. And catch the team, all of us, on midday.com. So hi, and joining us on midday.com, we have the team of Taza Khabar, set to deliver some very Taza Khabar in the new year. Yes. That's Bhuvan Bam, Shriya Pilgaonkar, Devin Bojani, and Prathamesh Paras. So first question is, how are you guys doing? What's the mood like? Yeah, we are excited. A little nervous, मैं तो हूँ थोड़ा सा पता नहीं वो जो होता है ना कि it's like a baby project तो जब वो आता है तो आपको एक तो possessive हूँ मैं कि अब तक मैं ही देख रहा हूँ मैं जनता को कैसे दिखा दूँ ये अभी मैं ready नहीं हूँ शायद बट हाँ eventually 6 जनवरी को जनता का हो जाएगा शो ये तो हाँ वही jitters हैं एंड काफ़ी सारे ओ टी टी डेब्यूज भी हो रहे हैं ऑफकोर्स भुवन यू एंड बोथ ऑफ यू एज वेल तो वॉट इज द एक्साइटमेंट राइट देयर आई थिंक पर्सनली इट मीन्स अ लॉट आई विल बी नॉट जस्टिफाइंग इट अगर मैं इसको शब्दों में बोल दूँ आई कांट मीन्स कि हाउ आई रियली फील बट आई थिंक येस इट्स अ सरियल फीलिंग टू सी दिस बोर्ड हेयर राइट हेयर क्योंकि ये ऑन पेपर था अभी 2 साल पहले तक सिर्फ दिमाग में था तो उसके बाद उसका ड्राफ्ट लिखा गया फिर उसको बनाया गया फिर उसको एडिट करके अब फाइनली आ जाएगा जनता के सामने मैं एक्चुअली एक्साइटेड इस बात के हूँ कि ये चीज़ हाउसफुल कैसी होगी क्योंकि मैंने फिल्मों में और प्लेज में काम किया है ना तो ऑडियंस को देख के अपने को लगता है कि ये हाउसफुल होगी तो ताज़ा खबर कैसे हाउसफुल होगी ये मुझे देखना है नए से तो ये चीज़ भी नहीं पता चल जाएगा हाँ मतलब वो पता चलेगी ऑब्वियसली होगी लेकिन कैसी होगी वो मुझे देखना है ट्रेलर को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है इतना ज़बरदस्त मिला है कि कभी सोचा नहीं था ऑफ कोर्स मन ही मन ऐसा था कि ये बहुत अच्छा जाएगा प्लस भुवन बाम है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और आई एम रियली एक्चुअली आई मीन इट बाय बीइंग एक्साइटेड टू प्ले दिस रोल एंड टू बी एसोसिएटेड विद दिस शो ऑफ कोर्स ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं आफ्टर द ट्रेलर पर फिर भी पर्सनली मुझे लगता है कि शो जिस तरह का बना है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है वी विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस सो व्हाट इज द ताज़ा खबर दैट यू होप टू हियर इन द न्यू ईयर यू आर सिटिंग फर्स्ट यू हैव टू आंसर फर्स्ट व्हाट ताज़ा खबर डू आई वांट टू हियर इन द न्यू ईयर यस गुड थिंग्स अबाउट द शो दैट्स अ कॉमन आंसर फॉर एवरीबॉडी गुड थिंग्स अबाउट द शो ऑफ कोर्स आल्सो व्हाट डू आई वांट टू हियर दैट्स द ओनली थिंग ऑन माय माइंड राइट नाउ I can't think about anything else. मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मैं आज रात को क्या खाने वाला हूँ कि यार मैं कल क्या सुबह खाऊंगा उसके मेरे को ये पड़ता है कि 6 जनवरी को जब आएगा वो बढ़िया परोसा जाए लोग श्रिया नो ऑफ कोर्स आई एग्री ताज़ा खबर वी वांटेड टू डू वेल स्टार्ट 2023 विद अ बैंग बट मैंने काफ़ी टाइम से मतलब मैं मुंबई के बाहर मैंने शूट किया नहीं है सो आई लव टू film you know or yeah. just shoot somewhere maybe outside the country or just somewhere else I think I haven't done that in a while so main bhayandar to bkc shoot karti hu to mujhe kahin bahar jaake abhi karna hai shoot yeah sir taza khabar yahi hai ki bas aap logon ne filmon mein aur television pe dekha aur ab 2023 se taza khabar ke sath main shuruaat karunga ott platform ki aur uske baad main ott par zyada kaam kar raha hu already जो एक के बाद एक आना शुरू होगा सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ईयर 2023 ताज़ा खबर मैं ये सुनना चाहूँगा कि ताज़ा खबर तो हिट हो सुपर हिट हो उसके बाद ताज़ा खबर 2 की भी अनाउंसमेंट जल्दी और भुवन का भी बर्थडे आ रहा है तो तभी अनाउंस हो जाए भाई अरे टू सून टू सून प्रोड्यूसर बोल रहा है होने देना अनाउंस मेरे हाथ में नहीं इनके हाथ में जो बैठे सो इफ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब योर जर्नी टू फेम It's been a roller coaster ride for me. There have been ups, there have been downs. But one thing I'd like to say to the people who are watching this, ki no matter what you do, just don't compare. Aap apni journey kisi se compare mat kijiye. Sab apna kuch na kuch leke aaye hain. Sabki apni journey hai. Aap ye mat boliye ki usko ye mil gaya, to mere ko kyun nahi mila? Main bhi to wahi karta hoon. Wo nahi ho sakta. Aapko jo milega, wo aapko aaj bhi mil sakta hai. Aapko kal bhi mil sakta hai. Aapko 5 साल बाद भी मिल सकता है और 2 साल बाद भी मिल सकता है और 1 घंटे बाद भी मिल सकता है सो आप बोलना मेरे को ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि बोलना आसान है बट हाँ इवेंचुअली द पेशेंस इज द की एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ वी डोंट लव आवरसेल्फ्स मच एंड दैट्स अ वंडरफुल नोट टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन थैंक यू इट वाज लवली हैविंग यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू सो मच बट जाते जाते यही कहेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ताज़ा खबर 6 जनवरी से शुरू हो जाए तो देखना ना भूलें।
subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.